हाई व्यूअर्स, इट्स मी जुब्दा खान। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जैसे कि आपको पता है जोलू की बर्थडे है, तो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसको लेके जा रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा ना इन्जॉय कर लें, खेल लें। कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हमने की, क्योंकि टाइम भी नहीं है और मतलब शादी पास है, तो मुझे ये भी था कि बच्चे ये ना सोचें कि नहीं साढ़े लिए कुछ भी नहीं किया। तो जोलू को देखे आज, ओ माय गुडनेस, लेट मी शो यू। वो देखे भाग रहे हैं और रिक जो है वो कूड़ा सूटने गए हैं, उन्होंने हाथ में शॉपर पकड़े हुए थे और इन्होंने अपने हाथ से हाथों में बलून पकड़े हुए हैं। ओ माय गुडनेस, किड्डे तेज रहे। और वो दोनों ही अपने बाप के पीछे जो है ना भाग गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने बेचारे के लिए कोई शय नहीं खरीदी सच्ची। कल मैं गई थी खुद ही एक वॉल फ्रेड मार्ट से, हाँ भाग के मैंने आके इसको पकड़ा, जाके तो गंद में हाथ डालने लगता है। इतना रोया है ना ये कपड़े चेंज करते मैंने साथ ही मेल बॉक्स चेक कर लिया, इन्ना रोंडिया सी, पता नहीं इसको क्या है, नए कपड़े नहीं पहने, सानू पुराने कपड़े ही चाहिए ने। अपने बाप इसको कोई घंटा एक लगाया हमने ये कपड़े पहनाते हुए, नए लेके आए नहीं पहनता। चलें जी आज नाल रहे हो। जोलू इज अ गुड हेल्पर, कम हियर जोलू। Can you show me your clothes? Can you show me? You look so handsome. Jolu, you are looking so handsome. What? Whose birthday is today? Yours? Me. Let's sing happy birthday to Jolu. Oh my goodness. ये देखे, मैं कल फ्रेड मायर पे जब गई थी ना, तो मैंने ये टेस्ट की थी और बाकी जो थी वो सारी जो हैं वो मैं ये कह लें मैंने कल से पानी में आपको पता है कि हाथ डाला हुआ है, मतलब सारे काम करती हूँ। तो हम लोग आए खास फ्रेड मायर में, मेरा दिमाग एकदम हो गया माऊ। हुआ ये कि मैंने अभी आपको जो लिपस्टिक दिखाई थी कि मैंने ये खरीदी है, मैंने कल दूसरी वाली खरीदी थी जो जल्दी उतर जाती हैं, तो मैंने फिर बाद में इरादा किया कि नहीं मैं ना खरीदूँगी, मैं ना जाके ना तो रिटर्न करके तो वापस लेती हूँ। कल मेरी जो रसीद थी ना, जो मैंने चीज़ें ली थी फ्रेड मार्ट से, वो वाच उड़ गई। इवन जो थी ना एबी मुझे कह रही थी कि मामा वो रसीद जा रही है, उड़ती जा रही है, तो इसको पकड़ लो। उसको क्या पकड़ना था, मैंने कहा मैंने बच्चे संभालने हैं, छोड़ो पर इसको। आज जब मैं रिटर्न करने आई हूँ वहाँ पर चीज़ें, वो दो लिपस्टिक हैं, तो वो कहती है ये तो आपने रिटर्न कर दिया। मैंने कहा मैंने तो अभी कल खरीदी है, मैंने कहाँ पर रिटर्न की हैं। कहती रसीद किधर आपकी, मैंने कहा जी रसीद मेरे से गुम गई थी, लेकिन आप मेरे कार्ड में देखो आपको मिल जाएगी। तो उसने जाके मेरे कार्ड पे देखी, कहती कि किसी ने आपकी रसीद ले ली है और चीज़ें जो आपने ख़रीदी थी ना वो रिटर्न करके उसने कैश ले लिया। यकीन माने मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैं कहा देखें दुनिया कहाँ से कहाँ और क्या क्या काम कर रही है। मैं बड़ी ना तब से सोच रही हूँ, लेकिन हमारे लिए एक तजर्बा था, ये भी एक नई बात थी। तो उसने रिटर्न की, लेकिन कहती कि ये जो है ना हमारे साथ रोज़ ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आज ये हुआ, लेकिन मैंने चलो इस बात से भी सीखा कि अपनी रसीद संभाल के रखनी है, तो खा जाएगा ताड़े पैसे कोई और ले जाएगा। हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये जंगल से गुजर रहे हैं, जंगल तो नहीं है, साले दवाले जो है ना सारे लगे हुए दरख्त, और हौली हौली हम अपनी राह की तरफ गामजन हैं। आज भी देख लें कितनी ट्रैफिक हुई हुई है, सुहाना हुआ है। तो मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है, बात ये शेयर करनी है कि आज फिर जो है रोशनी की माँ जो थी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको कि हम लोग जब फ्रेड मायर से निकले हैं तो हम ना रोशनी को लेने चले गए। हम लोगों ने रोशनी को कॉल की कि हम लोग ना रिक ने कॉल की उसे कि हम तुझे पिक करने आ रहे हैं, उसने सडनली कॉल थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी माँ ने और हमारा सेटअप जो था ना वो पहले 5 बजे हुआ हुआ था, लेकिन रिक कह रहे थे कि चलो उसको जल्दी पिक कर लेते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने सिर्फ 3 घंटे उसे दिए थे कि तूने जाके जो है मतलब जहाँ पे जंपिंग प्लेस पे हमने जाना है वो 2 घंटे की हम लोगों ने टिकट लेनी थी, तो 2 घंटे वहाँ पे खेलनी, और हम कह रहे थे कि हम उसके बाद ना जो है डिनर करने जाना है। तो उसने 3 घंटे दिए थे हमें, इस 3 घंटे में आप लोगों ने सब कुछ करना है,
उसकी बड़ी मेहरबानी कि उसने हमें 3 घंटे भी दे दिए थे उस बच्ची हमें क्या उस बच्ची को दे दिए थे कि वो अपने भाई की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर सके। उसकी बहुत मेहरबानी उसने 3 घंटे जो थे उस बच्ची को दे दिए कि वो अपने छोटे भाई को बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि हम अगर वो किसी और की बर्थडे में दोस्त की बर्थडे में जाती है तो वहाँ पे उसको 5-6 घंटे दिए जा सकते हैं, लेकिन अपने भाई की बर्थडे के लिए सिर्फ उसको 3 घंटे दिए गए थे और कहा गया था कि इन 3 घंटों में जो भी करना है वो करें और तुम्हें पिक भी करना है और ड्रॉप भी करना है। 3 घंटे में हम लोगों ने उसे अगर 5 बजे पिक करना है, 5:20 पे हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और टिकट लेते हैं, तो टिकट लेते हम लोग चलो 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, वहाँ पे पहुँचते हम लोग 1-1.5 घंटे, बच्चों को कहते हैं 1 घंटा खेलो या 1.5 घंटा खेलो, तो 5 से 5:30 हम लोग बच्चे खेलना शुरू हुए और 6:30-7 बजे तक बच्चे खेले। वहाँ से निकले, सामने एक रेस्टोरेंट था हम लोगों ने जहाँ पे ऑलिव गार्डन जाना था, कास्को के पास ये जगह थी, वहाँ पे ऑलिव गार्डन हम जाते, वहाँ पे खाना खाते, ऑर्डर करते, सब कुछ देर करते, तो 3 घंटे के अंदर 3 घंटे हमें मिले थे जिसमें हम लोगों ने ये सब कुछ करना था। कसूर हमारा ये हुआ कि हम जल्दी उसको लेने चले गए, हम लोगों ने कहा कि चलो ट्रैफिक कम होगी इसमें, हमें मतलब आने जाने का टाइम जो है ना वो कम लगेगा, तो हमें मतलब जल्दी हम कर सकेंगे, खाना भी खा लेंगे और बच्ची भी खाना खा लेगी, रोशनी मतलब खाना खा लेगी। लेकिन उसकी माँ जो थी वो बाहर निकल के जो था वो गुस्से में बोलना शुरू हो गई कि हम लोगों ने 5 बजे कहा था तो तुम इसे 5 बजे लेने आना, दोबारा आ जाना, इसने कोई काम करने हैं। तो हम लोग घर पे आ गए हैं, मेरे बच्चे की बर्थडे जो है वो किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक ख़राब हुई, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन आएगा सब कुछ बेहतर होएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अभी हम घर पे आ गए हैं और रिक जो है ना वो लेने चले गए हैं खाना बाहर से, तो 5 बजे जो है रोशनी को लेके आते हैं हम लोग, उसे घर पे ही लेके आना है। तो अगर पता नहीं क्या प्लान बनता है कहीं जाने का या नहीं, मोस्टली यही प्लान है कि घर में रहेंगे, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। फाइनली रोशनी आ गई है, उसको 5 बजे ले आए हैं, तो अब मैं इसे पूछती हूँ, बात करती हूँ, बच्चों के साथ खेल रही है, डेफिनेटली उसका भी दिल चाहता था लेकिन क्या करे वो बच्ची है, अभी कुछ बात नहीं कर सकती। ये देखें हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी से जो है ना जर्सी माइक्स मंगवाया, और ये है जोल का बर्थडे केक जो हम कल लेके आए थे, तो फिर हमने छोटी सी सेलिब्रेशन जो है ना घर में जोल की कर लिया और सारे जो है ना खा रहे हैं। ये है मेरा बर्थडे बॉय, ये है मेरा बर्थडे बॉय, जोलू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, happy birthday to you, happy birthday dear Joe, happy birthday to you, many long life to you, many long life to you, many long life dear Joe, many long life to you. Okay. Okay, you wanna blow now? Okay. Oh. Okay. I wanna blow. Everyone what? Wants to blow. There you go. Okay. Abby. Just. Let Abby blow. There we go. Where's your knife? Let me get a clean knife. Yum. Wait, what's that? Joel ka birthday cake. What's that? Okay, ye burger bana hua. Cake ko maine taste. To ye humne pucha na upar likha hai iske. You want to take it? Let's cut. There we go. There we go. Okay. Can I have, please? Can I have that? You want this one? I want to have my own piece. I want to cut my own piece.
Yum. Yum. I want to cut my own piece. And another side, this one, yeah. You just want icing, you just want sweet thing, right Jolu? तो ये थी जी छोटी जी सेलिब्रेशन जो आज हमने जोल की बर्थडे पे की. प्लान हमारा कुछ और था लेकिन जो खुदा को मंजूर था. तो बस आप सब दुआओं में याद रखे. अगले व्लॉग्स में भी आप जो हैं वो शादी की तैयारियां और शादी देखेंगे इंशाल्लाह. तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त. कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके. खुदा हाफिज़, लव यू ऑल.